आयू तो क्या देख रही है? ऐसे ही कुछ रेसिपीज देख रही हूँ। अच्छा, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। अरे अनु आयू, तुम लोग कुछ खेल ही नहीं रहे हो, लेटी क्यों हो इतना लेटी? अरे मम्मी, बहुत लेजी फील हो रहा है, कुछ एनर्जेटिक दो ना। क्या चाहिए एनर्जेटिक? कॉफी। अच्छा मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम्हारी फेवरेट कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे डालगोना कॉफी पीना है, बहुत ट्रेंडिंग है। डालगोना कॉफी, वो तो मेरी और तुम्हारी पापा की फेवरेट है। चलो मैं ऊपर बनाती हूँ, वो भी आपको चार तरह की बना के पिलाती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चार तरह की बहुत ही क्रीमी झोगी वाली डलगोना कॉफी, जो हम बाजार में पीते हैं ना, उसी तरह सेम। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये कॉफी बहुत ही मजेदार बनती है। डलगोना कॉफी बनाने के लिए मैंने ले लिया है नेस कॉफी। ये मेरे पास नेस कॉफी है, मैंने नेस कॉफी लिया है। आपके पास जो भी कॉफी है वो ले लीजिए। तो अभी मैंने एक ले लिया है बॉल, और इसमें मैं 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले रही हूँ। तो ये देखिए, मैं 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लिया। लीजिए इसमें चीनी, पानी, सब एक मेजरमेंट का ऐसे चम्मच ले लीजिए, जो भी आपके घर में है उसी से सेम मात्रा में डालिए। जैसे मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी लिया है, तो इसी से 2 चम्मच चीनी डालूँगी और 2 चम्मच पानी डालूँगी। तो इसी सेम चम्मच से मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, और सेम चम्मच से मैं 2 चम्मच इसमें हल्का सा गुनगुना पानी डाल रही हूँ। इसको वीट करने के लिए आपके पास ऐसे हैंड वीटर है तो इससे भी हो जाएगा आसानी से, और इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको वीट करने के लिए। अगर ये भी नहीं है आपके घर में तो आप ऐसा फोक ले लीजिए, इससे भी हो जाता है बहुत आसानी से। जैसे हम इससे करते हैं उसी तरह इससे भी हो जाता है, फोक से भी। और आपको अगर जल्दी है, आपके पास इलेक्ट्रिक वीटर है, तो इससे तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। इससे 3 से 4 मिनट में हमारी झाग वाली कॉफी तैयार हो जाती है। तो मैं इलेक्ट्रिक वीटर का यूज कर रही हूँ आज, तो इसको हम वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए आप, अभी हमें 1 ही मिनट हुआ वेट करते हुए, इसका कलर भी कैसे लाइट हो रहा है और थिकनेस भी इसकी बढ़ गई है। तो अभी हमें इसको 2 मिनट तक और मैं वेट करूंगी। तो आप ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस और कलर भी कितना अच्छा लाइट हो गया है। अभी ये हमारा मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है, अब हम कॉफ़ी बनाने चलते हैं। आज मैं 4 तरह की डलगोना कॉफ़ी बनाऊंगी। तो पहली जो है वो मैं बना रही हूँ हॉट, जो नॉर्मल कॉफ़ी आती है हॉट कॉफ़ी। तो ये मैंने ग्लास लिया है, अभी इसमें मैं डाल दूंगी ये गर्म दूध। तो ये गर्म दूध 1/3 ग्लास ही हमको गर्म दूध डालना है इसमें। अभी इसके ऊपर मैं डालूंगी ये जो मैंने कॉफ़ी का मिक्सचर बना के रखा। तो ये हमारी बेसिक कॉफ़ी, जो हॉट कॉफ़ी हम पीते हैं, वो बनके तैयार हो चुकी है। अभी इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल दूंगी। ये हमारी हॉट डलगोना कॉफ़ी बनके रेडी हो चुकी है। अभी हम दूसरी कॉफ़ी बनाते हैं। अभी दूसरा मैं चॉकलेट कॉफ़ी बनाऊंगी। तो चॉकलेट कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने ये जो मिक्सचर रेडी करके रखा है, इसमें से 1 चम्मच ये ले लूँगी। इसमें मैं 1/2 चम्मच कोका पाउडर डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें चॉकलेट मिक्स कर लिया। अभी हम 1 ग्लास लेंगे, इस पे आप ऐसा, ये चॉकलेट सिरप है, ऐसे हम ग्लास में इसको इस तरह से लगा देंगे। अगर आपके पास है तो ही लगाइए, नहीं तो ये ऑप्शनल है। इससे सिर्फ लुक अच्छा आएगा, देखने में बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। अभी इसको मैं 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, तो चॉकलेट बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, 5 मिनट मैंने फ्रिज में रख दिया, चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो गया और हमारा ग्लास भी बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अभी इसमें मैं 2 आइस क्यूब डाल देती हूँ। चॉकलेट कॉफी ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है। और इसमें ऊपर से डाल देंगे हम दूध, तो इसमें भी मैं 1/3 ग्लास ही दूध डालूंगी। अब इसके ऊपर से जो मैंने चॉकलेट वाला बना के रखा मिक्सचर, ये लगा देंगे। तो ये देखिए, कितनी क्रीमी और झाग वाली कॉफी बनके, हमारी चॉकलेट कॉफी बनके तैयार हो चुकी है। और इसके ऊपर से मैं लगा दूंगी ये चॉकलेट का टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ों में मैंने चॉकलेट को काट लिया है। ये हमारी दूसरी चॉकलेट कॉफी भी बनके रेडी हो चुकी है। अभी तीसरा मैं बना रही हूँ ओरियो कॉफ़ी। तो ओरियो के लिए मैंने ये 2 ओरियो बिस्किट ले लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं तोड़ लूँगी। ये मेरी बेटियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, अनु तो ओरियो कॉफ़ी की दीवानी है। और इसको मैं हल्का सा ऐसे बारीक कर दूँगी। तो ये देखिए, बारीक क्रश कर लिया है, बहुत पाउडर नहीं किया है मैंने इस तरह का। ये मैंने 1 ग्लास ले लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच के करीब ओरियो पाउडर डाल देती हूँ।
और ये मैंने दो आइस क्यूब ले लिया है, ये भी डाल देती हूँ। और अभी इसमें ठंडा दूध डाल रही हूँ मैं। अब इसके ऊपर से मैं कॉफी का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था वो लगा देती हूँ। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा ओरियो जो मैंने बिस्किट क्रश करके रखा वो डाल देती हूँ, और ये ओरियो का टुकड़ा। तो ये मेरी ओरियो कॉफी भी बन के रेडी हो चुकी। अभी मैं चौथी कॉफी जो बनाने जा रही हूँ वो मेरी सबसे फेवरेट कॉफी है। तो आप भी अगर नहीं पिए होंगे ये कॉफी तो जरूर बनाना एक बार घर में, बहुत पसंद आएगी। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी क्रस्ट लिया है, ये मैं 2 चम्मच डालूंगी। स्ट्रॉबेरी कॉफी मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने स्ट्रॉबेरी क्रस्ट लिया है बाहर जो मार्केट में मिलता है, अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी है तो वो भी ले सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा बनता है। इसमें मैं 2 आइस क्यूब डाल रही हूँ और दूध, ठंडा दूध है ये, मिला देंगे। और इसके ऊपर से ये मैं कॉफी का मिक्सचर जो है ये भी डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी ठंडी ठंडी स्ट्रॉबेरी कॉफी भी बन के रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा डाल दूंगी स्ट्रॉबेरी क्रस डेकोरेशन के लिए। तो ये लीजिए मेरी स्ट्रॉबेरी कॉफी भी बन के तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आपको हमारी डेलगोना कॉफ़ी? हमारे घर में तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना, कुक विद आशा को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।